हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद लव। आज हम बनाएंगे सूजी के पौष्टिक लड्डू, सूजी के हेल्दी लड्डू, जो बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी होते हैं और बच्चों को खाने में अच्छे भी लगते हैं। तो ये बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी लड्डू की रेसिपी है, तो चलिए शुरू करते हैं और बनाते हैं सूजी के पौष्टिक लड्डू। तो आइए चलिए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम एक कढ़ाई में घी डाल लेंगे। घी डालकर उसको गरम करके सूजी को उसमें डालेंगे। घी को गरम होने देंगे। घी गरम होते ही उसमें हम सूजी डाल देंगे और सूजी को तब तक भूनेंगे घी में जब तक कि वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो सूजी को इस तरह से हमें चलाते रहना है, चलाते जाएं बार बार और सूजी को अच्छे से भूनें। इसको भूनने में 3 से 4 मिनट लग जाते हैं। सूजी को भूनने में इतना टाइम लग जाता है, तो सूजी को भूरा होने तक भूनें इस तरह से। सूजी जो है वो गोल्डन हो चुकी है और ये अच्छे से रोस्ट हो गई है। और अब मैं इसमें इलायची पाउडर डालूंगी। जो इलायची मेरे पास थी वो मैंने क्रश कर ली, इसका पाउडर बना लिया वो डालूंगी। और साथ में इसमें हम इसमें खोया मिक्स कर देंगे। खोया जो है वो सूजी में अच्छे से मिक्स होने तक उसको चलाते रहें। खोया जो है वो हमारी सूजी में अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं। मैंने सूजी और खोया अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें काजू डालूंगी। मैंने काजू को चॉप कर लिया था, तो चॉप्ड जो मेरे पास काजू है वो मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ और किशमिश मिक्स कर रही हूँ। आप अपनी पसंद का कोई और ड्राई फ्रूट हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं। मैंने सिर्फ काजू और किशमिश ही इसमें ऐड किया है। इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम आपको लो ही रखनी है, मीडियम लो पे आप इसको अच्छे से पकाएं। इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा, इसमें हम शुगर ऐड करेंगे। तो गैस को मैंने बंद ही कर दिया है और अब मैं इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ ताकि सूजी जो है वो जल ना जाए। इसलिए मैं अब इसको बंद करके ही इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी। इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे 1 से 2 मिनट लगेंगे, हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि हमें शुगर नज़र ना आए। अब उसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। और हम शुगर की जगह शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास शक्कर है तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करूँगी। दूध मेरे को थोड़ा थोड़ा ही ऐड करना है और इसको कंटिन्यूसली स्टर करना है। इसको तब तक स्टर करना है जब तक कि ये एक इसकी पूरी बाइंडिंग ना हो जाए, जैसे कि अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए इस तरह से दूध तब तक ऐसे डालना है जब तक ये इस तरह का ना दिखे। जब ये इस तरह का दिखने लग जाए तो इसका मतलब आपका मिक्सचर जो है वो रेडी हो चुका है। जब हम थोड़ा थोड़ा करके दूध उसमें डालते जाएंगे, मिल्क को ऐड करेंगे, तो वो टेक्सचर जो है वो मिक्सचर का इस तरह का आ जाएगा। और अब हम मिक्सचर को हम अलग प्लेट में डाल के उसके छोटे छोटे पार्ट्स लेकर उसके लड्डू बनाने शुरू करेंगे। लड्डू ऐसे लड्डू थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके बनाने हैं और लड्डू जो है वो बिल्कुल रेडी है। ये देखिए बहुत ही अच्छे और ये खाने में बहुत सॉफ्ट, बहुत स्वादिष्ट लड्डू बनते हैं। आप इसको घर पर जरूर ट्राई कीजिए। ये रेसिपी डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी लगने वाली है और बच्चों के लिए ये बहुत फायदेमंद है। जो तो इस तरह से हम सारे लड्डू तैयार कर लेंगे, सारे लड्डू बना लेंगे। और आप इन लड्डुओं को किसी टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। 2 to 3 months के लिए आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। और ये फ्रेंड्स, ये लड्डू खाने के लिए बहुत बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं।
तो आप ये लड्डू बनाएं और बच्चों को खिलाएं और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें और कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।